नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सन ऑफ सत्यमूर्ति आरआई फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं सन ऑफ सत्यमूर्ति फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सन ऑफ सत्यमूर्ति सन 2015 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, उपेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, स्नेहा, समंता रूत, अली, नित्या मेनन, अदा शर्मा और ब्रह्मानंदम नजर आए थे। इस फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म को एस राधा कृष्ण ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को 9 अप्रैल सन 2015 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 45 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 72 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 16 करोड़ का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 60 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 95 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सभी गाने अच्छे हिट रहे थे। इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम को कई क्रिटिक्स से 5 में से 3 की रेटिंग मिली थी। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म पहले 5 फरवरी को रिलीज होने वाली थी पर सन 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के कारण इस फिल्म को अप्रैल में शिफ्ट कर दिया गया था। नंबर 2, अल्लू अर्जुन ने दूसरी बार डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ काम किया था। इससे पहले उन्होंने जुलाई फिल्म में काम किया था। अब जानते हैं आई फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आई सन 2015 में आई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में विक्रम, एमी जैक्सन, सुरेश गोपी, संथनम, उपेन पटेल, ओजस रजनी और रामकुमार गणेशन नजर आए थे। इस फिल्म को एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म को वी रविचंद्रन और डी रमेश बाबू ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को 14 जनवरी सन 2015 को रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 100 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 148 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 12 करोड़ कमाए थे। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 23 करोड़ का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 101 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 240 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.3 रेटिंग मिले। ये फिल्म उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक ए आर रहमान ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने अच्छे हिट रहे थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए विक्रम को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का साउथ फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड मिला था, तो ए आर रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट लिरिसिस्ट और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म में विक्रम के इस लुक के मेकअप के लिए 5 से 7 घंटे तक का समय लगता था। नंबर 2, इस फिल्म के लिए विक्रम ने अपने 30 किलो वजन घटाए थे ताकि उनके इस लुक में परफेक्शन आ सके। नंबर 3, तुम तोड़ा ना दिल मेरा वाला गाने के सेट को डिजाइन और बनाने में 3 महीने का समय लगा था। नंबर 4, ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई थी और विक्रम ने तीनों वर्जन में खुद की आवाज दी थी। पोस्ट प्रोडक्शन के समय पर विक्रम डबिंग के लिए रोज मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद ट्रेवल करते थे। नंबर 5, इस फिल्म में ओजस रजनी ने ओजमा जैस्मिन का रोल निभाया था जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट रहती है और रियल लाइफ में भी वे बॉलीवुड की एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। नंबर 6, इस फिल्म को शंकर पहले रजनीकांत के साथ बनाना चाहते थे पर उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।